सागर तिवारी का फोन रात को 12 या 2 बजे भी जमशेदपुर पूर्वी की जनता फोन करेगी। जमशेदपुर पूर्वी ही नहीं, पश्चिम की भी जनता, जुगसराय की भी, बागबेड़ा की भी जनता अगर मुझे फोन करती है कि मैं इस समस्या में हूं, तो सागर तिवारी रात को 12 बजे 2 बजे भी उनके साथ खड़ा रहेगा, चाहे चुनाव जीतू चाहे चुनाव हारू। क्योंकि डॉक्टर अजय कुमार यहाँ के है ही नहीं, वो जमशेदपुर के है ही नहीं, वो झारखंड के है ही नहीं। और पुराने कई ऐसे यहाँ के सांसद हुए जो आए यहाँ से सांसदीय लड़े और चले गए, तो बाहरी को मैं कभी महत्व नहीं देता, वो तो चुनाव के रेस में है ही नहीं। पहले तो सभी को नमस्कार। और जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा झारखंड की राजनीतिक गलियारे में हमेशा से चर्चा का केंद्र रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा का केंद्र सिर्फ चुनाव के वक्त और चुनाव के बाद यहाँ के जो बड़े नेता निकल कर गए उनके कारण से रहा है। आज तक जमशेदपुर पूर्वी विकास के लिए कभी भी रांची स्तर या दिल्ली स्तर पर कभी नहीं आ गया है। इसका एकमात्र कारण है क्योंकि जमशेदपुर पूर्वी में 24 वर्ष झारखंड राज्य को बने हो गए, आज तक विकास के रूप में सिर्फ पेपर्स ब्लॉक पीछा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। और मेरा जो अपना पीड़ा है, मैं पीड़ा, लोग देखते हैं कि मुझे नेता बनना चाहिए, विधायक बनना चाहिए, 2 बॉडीगार्ड हो जाएंगे, गाड़ी मिल जाएगी, सुख सुविधा मिलेगा। मैंने सुख सुविधाओं के लिए नहीं, मैंने जो पीड़ा सहा है, क्योंकि बंद पड़ी केबल कर्मचारी का मैं बेटा हूं। 1994 में मेरा जन्म है और 1996 में केबल कंपनी बंद हो गया, तो जो पीड़ा जो उस वक्त, मैं बहुत सा पेपर अपने बचपन का मैं जारी करके दिखाऊंगा। मैं रामाकृष्ण मिशन स्कूल में जब पढ़ता था तो पेपर आज भी मेरे पास है। तो मेरे माँ पिताजी ने उस स्कूल में एक पेपर लिख कर दिया था कि मैं अपने बच्चों का फीस नहीं भर सकती हूँ, नहीं ये कर सकती, उसके लिए मुझे इसमें कुछ कंसेशन दिया जाए। और उस वक्त रामाकृष्ण मिशन स्कूल ने 100 रुपये का कंसेशन किया। वो पेपर आज भी मेरे पास है, मैं उसको लेकर जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा उस दिन बैठूंगा। तो वो मेरे भीतर का पीड़ा है कि मैंने बचपन में किस तरीके से स्कूल में शिक्षा ली जब मेरे पास पैसा नहीं होता था, मुझे ट्यूशन लगाने के लिए परिवार वालों के पास पैसा नहीं होता। और ये पीड़ा सागर तिवारी आज आपके सामने बोल पा रहा है, इसलिए बोल रहा है, नहीं तो ये पूरी केबल कर्मचारी की पीड़ा है। सबके घर में ऐसी स्थिति है कि लाश सामने पड़ा है और जलाने के लिए पैसा नहीं। तो वो दर्द हम देखे हैं, हम वो दर्द देखे हैं जमशेदपुर में, अपने भाइयों के साथ देखे हैं, अपने बीच के लोगों के साथ देखे, क्योंकि मजदूरों का शहर है। 10,000-12,000 वेतन मिलता है आपको ठेका मजदूर में, और उस 10-12,000 ठेका मजदूरों में आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है तो शिक्षा कहाँ ले पाएगा। अगर आपको इंजीनियरिंग कराना है और आप उसको भुवनेश्वर भेजते हैं तो भुवनेश्वर जाने में स्कूल का फीस हो सकता है, कॉलेज का फीस आप ले लें, लोन के रूप में आप ले लें, लेकिन वहां पे 5,000-6,000 रुपया रूम का भाड़ा, खाना, पॉकेट खर्च लगेगा। अगर वो कॉलेज जमशेदपुर में होता तो कम से कम 5,000 रुपया तो बचता हर महीना। अपने बच्चे अपने घर से खा पी के जाते तो 5,000 रुपया रूम का भाड़ा तो बचता, लेकिन 12,000 कमाने वाला बच्चा, परिवार अपने बच्चा को 5,000 रुपया दे भी देता है तो उसका एक ही बच्चा तो नहीं है, दूसरा बच्चा कैसे पढ़ेगा। अगर दूसरा बच्चा पढ़ने जाता है तो उसके घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा। ये जमशेदपुर की पीड़ा है, लेकिन इस चीजों को आज तक कोई समझ नहीं पाया। देखिए, आप राज्यपाल की बातें करते हैं, मैं बताता हूं कि उनको राज्यपाल बनाया कौन, ये पूर्वी की जनता बनाई। वो राज्यपाल खानदानी ये नहीं है, उनको यही सी पूर्वी की जनता ने विधायक, विधायक के बाद मंत्री, मंत्री के बाद मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद राज्यपाल तक का सफर तय कराया है। तो जो जनता उनको बना सकती है, जब उनके काम से खुश नहीं है तो उनके खिलाफ खड़े होने वाले व्यक्ति को भी बना सकता है। तो सबसे बड़ा बात है कि जमशेदपुर की जनता सबसे बड़ी है। और रही बात उनकी राज्यपाल पद की, तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर कोई चुनाव लड़ सकता है। मेरे सामने खरबपति लोग उम्मीदवार हैं और मैं एक सामान्य परिवार का बेटा हूँ, मैं सामान्य परिवार का लड़का हूँ, बहुत कम उम्र में लोग करोड़ों कमा के रख लिए, मेरे पास नहीं है, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती है, मैं लड़ रहा हूँ, लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो मुझे उससे फर्क नहीं होता वो कितने बड़े हस्ती है। मैं अपनी बातों को सबके समक्ष रखता हूँ, लोग पसंद करेंगे, वोट देंगे, नहीं करेंगे, नहीं देंगे। डॉक्टर अजय कुमार की बात है तो डॉक्टर अजय कुमार को तो मैं कभी चर्चा में ही नहीं लाता, क्योंकि डॉक्टर अजय कुमार यहाँ के है ही नहीं, वो जमशेदपुर के है ही नहीं, वो झारखंड के है ही नहीं। और पुराने कई ऐसे यहाँ के सांसद हुए जो आए यहाँ से सांसदीय लड़े और चले गए, तो बाहरी को मैं कभी महत्व नहीं देता, वो तो चुनाव के रेस में है ही नहीं, क्योंकि उनको इस जमशेदपुर की जनता से मतलब नहीं है। लोग बोलते हैं कि यहाँ के SP थे, यहाँ हर 2 साल में एक SP बदलता है, वो SP बार बार सब जो यहाँ काम करके गया बोले हम आके चुनाव लड़ेंगे, तो जमशेदपुर की जनता कहाँ जाएगी, जमशेदपुर के कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे, जो जमशेदपुर में जन्म लिए कर्म लिए वो कहाँ जाएंगे, जब यहाँ के जो SP आए थे वो लड़ रहे, गुलमुरी थाना प्रभारी, सिद्धौर थाना प्रभारी बोले कि हम भी यहाँ नौकरी करके गए, अब रिटायर हो गए, हम भी यहाँ पे अब चुनाव लड़ेंगे,
तो आप आए थे नौकरी कर रहे हैं, आप यहाँ से चले गए, आप जाइए अपने गृह क्षेत्र में रहिए। मेरा बीच सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है जमशेदपुर में ईएसआई हॉस्पिटल बनाना, क्योंकि जमशेदपुर 24 साल झारखंड बने हो गया है, यहाँ के मजदूर को गम्हरिया आदित्यपुर का वो बॉर्डर ईएसआई हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ता है। जो मजदूर के पास 400 रुपए टेम्पो बुक करके जाना और 400 रुपए टेम्पो बुक करके आने का पैसा अगर होता तो मजदूर क्यों होता, वो जमशेदपुर में इलाज क्यों नहीं करा लेता। तो वो कारण है मेरा सबसे बड़ा मुद्दा। मेरे 5 साल में मैं कुछ नहीं कहता, पेपर्स ब्लॉक को मैं गिनती में ही नहीं लेता, सड़क नाली को मैं गिनती में नहीं लेता, क्योंकि सरकारी फंड आती है उससे आपको बनाना होता है, वो नहीं बनाइएगा पैसा वापस चल जाएगा, वो विकास का पैमाना नहीं हो सकता, उसके एक्स्ट्रा आप क्या कर रहे हैं। तो मेरा सबसे बड़ा जो चीज है कि जमशेदपुर में ईएसआई हॉस्पिटल 5 साल में मुझे कंप्लीट करके, वो भी टीएमएस से बेहतर, जिसमें लोगों का मुफ्त इलाज हो सके, एक ही मेरा काम है जो मैं करूँ। मैं नॉमिनेशन फाइल 24 तारीख को कर रहा हूँ। देखिये जमशेदपुर पूर्वी की जनता बड़ी समझदार जनता है और पढ़ी लिखी जनता है, और पूर्वी की जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर परिवारवाद कर दिया है। जो पूर्वी की जनता जानती है कि कांग्रेस ने यहां से बाहर के उम्मीदवारों को हमारे बीच में लाकर थोप दिया है। तो मेरा एक ही मांग है जमशेदपुर पूर्वी की जनता से कि अपने बेटे को अवसर दें, अपने परिवार के सदस्यों को अवसर दें, ताकि मैं पीड़ा जानता हूं, मैं दर्द जानता हूं, तो मैं दर्द समझूंगा भी, मैंने दर्द सहा है, मैं दर्द समझूंगा भी। और मैं आज आप जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी बनने से पहले अगर आप कभी उनको फोन किए होंगे तो हम आपका फोन नहीं रिसीव करते, सामान्य लोगों का फोन नहीं रिसीव होता है, लेकिन सागर तिवारी का फोन रात को 12 या 2 बजे भी जमशेदपुर पूर्वी की जनता फोन करेगी। जमशेदपुर पूर्वी ही नहीं, पश्चिम की भी जनता, जुगसराय की भी, बागबेड़ा की भी जनता अगर मुझे फोन करती है कि मैं इस समस्या में हूं, तो सागर तिवारी रात को 12 बजे 2 बजे के साथ खड़ा रहेगा, चाहे चुनाव जीतू चाहे चुनाव हारू।